the perpendicular from A on BC of a triangle ABC intersect BC at D such that BD equals to 3CD. Prove that 2AB square equals to 2AC square plus BC square. तो ट्राइंगल एबीसी में ट्राइंगल बनाता हूं, ध्यान से देखिए ए बी सी, ओके, एंड बीसी, देयर इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी इक्वल्स टू 3CD. ये ज्यादा है, अगर ये एक्स है तो ये 3x है, ठीक है ना. ये मेरे पास डी है, बीडी इक्वल्स टू 3CD, ओके. नाउ प्रूव दैट 2AB स्क्वायर, AB स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो AB स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ध्यान से देखिए AB स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये BC बाई 4 पार्ट हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ओके. नाउ फोकस हियर, ये 3x है, 3 टाइम्स BX बाई 4 का ये 3x, 3BC बाई 4, ओके, AD स्क्वायर. नाउ AD स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा, ये BC बाई 4, AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये AD स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये आएगी AC स्क्वायर माइनस BC बाई 4 का होल स्क्वायर, ओके. AD स्क्वायर की वैल्यू आएगी AC स्क्वायर माइनस, तो अब मैं चेंज करता हूँ, तो AB स्क्वायर is equals to 9BC square by 16, okay, और plus AD square की value कितनी आएगी, AD square की value आएगी AC square minus BC square by 16, ठीक है. तो देखते हैं अब क्या रहता है, BC, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 8 आ जाएगा, ये मेरे पास 8 आ जाएगा, तो BC square by 2 आ गया, तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, ठीक है ना. तो यही मुझे प्रूव करना था, सिंपल है ये, 1/4 हो गया है. तो दो बार मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और कुछ भी नहीं थी प्रॉब्लम में. एक बार इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एक बार इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए कि ये 90 दिया है और साथ में ये इंफॉर्मेशन दी है BD इक्वल्स टू 3CD है. तो इनका ये जो BD इनका रेशियो कितना है, 3:1 है, तो इस किस्से में कितना आएगा, BD बाई 4 आएगा, ये BD बाई 4, ABC बाई 4 आएगा, ये BC बाई 4 आएगा, ये 3BC बाई 4 आएगा. तो यही करेक्ट था प्रॉब्लम का और कुछ भी नहीं था, ओके. तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं, ओके.